अब आप देख लीजिए, मैं ग्राउंड रियलिटी आपको ये दिखा रहा, दिखाने के लिए आया कि ओलंपिक के मेडल पे तो आप निगाहें इतनी लगाए हुए हैं, लेकिन जो बच्चे ओलंपिक में गए हैं वो किन परिस्थितियों में तैयारी किए, उनको वो कहाँ से निकले हैं, वो किस पृष्ठभूमि के हैं और उनका वो सफ़र कितना, ये देखिए तमाम बच्चे इस पृष्ठभूमि से निकले हैं और इसके अटके में देखा हुआ मिट्टी का बाहर अखाड़ा है, वहाँ भी बच्चों ने मिट्टी में भी अभ्यास करके आज वो बच्चे ओलंपिक में गए हैं, जिन्होंने ये मैट नहीं मिला था, आपने तो काफ़ी सुना होगा, ये मैट भी नहीं मिला था, महावीर पहलवान जी मिट्टी में कराते थे, वो मिट्टी बाहर है, मिट्टी का अखाड़ा। विनेश फोगाट जिनसे ओलंपिक में बहुत उम्मीदें हैं और ओलंपिक के जो कुश्ती की टीम है अभी उनका मुकाबला शुरू होना है, विनेश फोगाट को भी कुलदीप जी ने लंबे समय तक ट्रेनिंग दी, कब तक? हाँ, जितने दिन वो कैंप में रही तो वो कैंप में थी तो हम उसको ट्रेनिंग देते थे, तो मैं एक नेशनल टीम का चीफ कोच था, एक स्पेशल का नहीं, एक नेशनल। उम्मीद है विनेश पहलवानी में आपको मेडल की कितनी उम्मीद है, ये पांच जो बच्चे 100%, बाकी तो ऊपर वाला है, 100% मेडल, ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलनी चाहिए कंपटीशन से पहले, ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलनी चाहिए, तो मैं भगवान से डर के बोल रहा हूँ कि वो लड़की मेडल लेके आएगी। अब जरा हम खिलाड़ियों से बात करते हैं, ये सब बच्चियाँ हैं, केवल लड़कियों को आप प्रशिक्षण देते हैं? केवल लड़कियाँ, जितनी भी हैं सब लड़कियाँ हैं। और कितना सुखद ये दृश्य है, आप सोचिए हरियाणा के बारे में पहले क्या भ्रांतियाँ थी, और ये मैं कुलदीप जी का इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इनकी एक शिष्या इस ओलंपिक में भी वहाँ गई है और उसके लिए ये प्रार्थना भी कर रहे हैं, एक शिष्या इनका ओलंपिक से मेडल लेके आ भी चुकी है। और यहाँ पर जो लड़कियों को आप देख रहे हैं, ये हरियाणा के सोनीपत जिले का एक कुश्ती एकेडमी है, ऐसे हरियाणा के हर जिले में कुश्ती एकेडमी, हर जिले में हो सकता है एक की बजाय दो दो तीन तीन दिन में मिल जाए, रोहतक को ले लीजिए आप, सोनीपत को ले लीजिए आप, हिसार को ले लीजिए, इसमें तो दो तीन अकेडमियाँ मिल जाएंगी आप। तो अभी आपके पास मुझे बताया कि पिछले ओलंपिक में कोई गई खिलाड़ी भी हैं? हाँ, पिछले ओलंपिक में वो सोनम लड़की 62 kg में गई थी, वो है, वो सोनम को भेजना बेटा एक बार, सोनम को भेजना, ये लड़की अभी पिछले जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसके अंदर भारत का प्रतिनिधित्व किया इस लड़की ने, और बहुत कम एज की, सोनम मलिक, यस सोनम मलिक नाम है इस लड़की का, 62 kg के अंदर इसने भाग लिया था टोक्यो ओलंपिक के अंदर। तो ये देखिए सोनम मलिक जो 2020 के टोक्यो ओलंपिक में 62 kg में गई थी, तो कहाँ तक कुश्ती आपके पहुँची थी ओलंपिक में? मैं फर्स्ट ही बाउट हार गई थी। इस बार इंजरी थी आप? इंजरी थी, ट्रायल्स के दौरान मेरे को इंजरी हो गई थी। तो अब अगले की तैयारी है? जी बिल्कुल, अगले की तैयारी है। 28 नेक्स्ट कौन सा है अभी एग्जाम ओलंपिक के बाद? अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप है, उसकी तैयारी है। तो ये जो पांचों लड़कियां गई हैं हरियाणा की, सब पांच की पांच हरियाणा की, छह हरियाणा के, ये भी देखिए लड़का भी हरियाणा का ही है। तो इसमें सबसे अच्छा फ्रेंड तुम्हारा कौन है जो गए? अंशु है, अंशु मलिक। कितनी उम्र के? वो 22 साल की होगी। तो आपको लगता है उनका मेडल का चांस कितना है? बिल्कुल, हम उम्मीद लगा रहे कि कुश्ती में 3 से 4 मेडल तो आए। तो आप सर के पास कब से हो कुलदीप जी के पास? देखिए पहले हम कैंप में, सर जब चीफ कोच थे वहाँ कैंप में प्रैक्टिस करते थे और एकेडमी कर ली, तो हम यहाँ पे हैं अभी। तो ये तो इनकी निजी एकेडमी है, सरकारी भी बहुत एकेडमीज हैं, सरकारी भी कोच बहुत हैं, सरकारी संस्थान भी बहुत हैं, आप उधर नहीं गए? नहीं, पहले मैं मदीना करती थी अजमेर की एकेडमी में, अभी मैं यहाँ पे हूँ सर के पास, तो वो भी देखा जाता है ना, ये चीफ कोच भी रह चुके हैं और हम काफ़ी लंबे टाइम से सर को जानते हैं, पापा भी जानते थे, तो इसलिए हम यहाँ पे। मतलब आप, अच्छा एक बात बताओ, जब आप गई थी ओलंपिक में तो दुनिया भर के जो खिलाड़ी आए थे उनकी तैयारी का जो स्तर था या उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिला था उसको देख के आप लोगों को लगा कि हमारे यहाँ अभी सुविधाएं उतनी नहीं है, हमको भी ऐसा मिलता तो हम और अच्छा करते, हम मिट्टी में लड़के आए हैं अखाड़े में? नहीं, कुछ नहीं है वहाँ पे, जैसे मैं सीधा कैडेट से ओलंपिक गई थी, जूनियर से सीधा ओलंपिक में गई थी, तो इतना वो भी नहीं था, फर्स्ट टाइम गेम्स में गई थी तो थोड़ा सा डर भी था, पर सर उस टाइम भी हमारे साथ थे ओलंपिक में, तो ऐसा नहीं है कि अभी इंडिया के बच्चे भी काफ़ी अच्छे हो गए हैं, क्योंकि नहीं, बच्चे तो अपनी बदौलत अच्छे हो रहे,
मैं कह रहा हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता और सुविधाएं मिलती तो और अच्छा करते। नहीं अभी तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है पहले से तो, और अभी उम्मीद भी ज़्यादा है कि मेडल लेके आएंगे। और ये तो सर के पास ठीक है सुविधा, इतने में आप लोग को हो जाता है? बिल्कुल, बहुत अच्छी सुविधा है। एक बात बताओ, ये एस्बेस्टस की छत है ना? 18 की लोहे की टिन है। लोहे की टिन? जी, लोहे की है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो लोहे की छत है, एसी लगानी है, पंखे लगे हुए हैं, कह रही है सुविधा बहुत अच्छी है। ये तो काफ़ी अच्छी है। अगर हमें कुछ करना है तो हर चीज़ में से के निकलना पड़ेगा। अगर हम स्टार्ट से ही एसी की उम्मीद करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? पहले तो पंखे, पहले तो जो पहले के वो धूप में भी करते थे, वो भी अच्छे प्लेयर हुए इंडिया के, तो अभी तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। इम्पोर्टेंट बात इस बिटिया ने कही। अब आप सोचिए, इस बेटी ने भारत का इससे पीछे वाला ओलंपिक जो था उसमें प्रतिनिधित्व किया था, बहुत ही कम उम्र में, सीधे स्कूल से ही चली गई थी शायद। जूनियर सब जूनियर से सीधा ओलंपिक है। किस क्लास में थी तब? मैं बीए हो गई थी मेरी। बीए हो गई थी? बीए अभी हुई है ना मेरी, तो 4 साल 12वीं हो गई थी मेरी। हाँ। 12 हो गई थी। 11th 12th में रही? 12th हो कंप्लीट। 12 पास करके ही ओलंपिक में चली गई। और ये इनका अभी ये कहना है, मैं आप अपने घर में बैठे बच्चों को जो 18 20 22 साल के हैं, जिनके सामने पूरा करियर बचा है, मैं सिर्फ आज माहौल क्या है उन लोगों को और ऐसे बच्चों के माँ बाप के लिए लेके पेश हुआ हूँ कि देखिए ओलंपिक जैसी कामयाबी, ओलंपिक में शिरकत करना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज या आप कहिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मनु भाकर ने जो रिकॉर्ड कायम किया है, उसके पदक पाने से पहले उसके संघर्ष, उसके जीवन गाथा, उसके जैसे खिलाड़ियों की कैसी रही है वो आप देखिए। एक ओलंपियन मेरे बगल में खड़ी एकदम छोटी बच्ची, 12th के पास ही ओलंपिक खेल आई, अब अगले ओलंपिक की, अगले एशियाड की, वर्ल्ड चैंपियनशिप की ये तैयारी कर रही है। यकीन ना हो तो मेरे इस कार्यक्रम को देखिएगा, अगले वर्ल्ड चैंपियनशिप में अगर सोनम मलिक ने कोई मेडल लिया तो फिर आप सोचिएगा कि इन्होंने किस जगह तैयारी की थी, क्या सुविधाएं थी। तो इसलिए सुविधाओं का रोना रो करके भी जो लोग या जो बच्चे बातें करते हैं उनके लिए भी सीख है, लेकिन आप ये भी देखिए कि असलियत क्या। कुलदीप जी, जरा कुछ बच्चों लड़कियों को आप बुलाते तो मैं चर्चा करता और थोड़ी बातें की जाती। इनका क्या कई क्या करने का इरादा है तुम्हारा? नाम क्या है? बिपांशी। आप कहाँ की हो? करनाल। वहाँ से? करनाल से आ गए? हाँ जी। आप यहीं हॉस्टल में रहते हो? हाँ जी। तो आप मुझे बताइए कि ये पहले तो लोग बोलते थे कि हरियाणा की छोरियों को बहुत ज़्यादा घर वाले बाहर न जाने दें, बहुत पढ़ने न दें, ये अब सब लोग घर के माँ बाप सबको मौका देने के लिए लड़कियों को आगे करने के लिए कैसे तैयार हो गए? जब से साक्षी दी ने मेडल लिया रियो ओलंपिक में 2016 में, जब से ही बदलाव आया काफ़ी। मतलब हरियाणा की छोरियों की रोल मॉडल साक्षी मलिक? हाँ जी। हाँ जी। और ये मनु भाकर का मेडल आने के बाद? हाँ जी, मनु भाकर दीदी ने भी अभी मेडल आया उनका भी ओलंपिक में, उससे भी काफ़ी परिवर्तन आया है। और तो आप क्या करना चाहती? सबका एक ही ड्रीम होता है ओलंपिक में मेडल लाना देश के। तो मैं तो यहाँ ये आया कि ये सोनीपत शहर से दूर गांव में एक 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 आदमी कोच, एक ही आदमी, उन्हीं की सब व्यवस्था, तो इतना काफ़ी आप लोग? हाँ जी, ये काफ़ी। बोलो, इतना काफ़ी नहीं है? नहीं, काफ़ी है, ये बहुत है। जिसे हमारे कोच साहब है जो करवा रहे हैं। आपको लगता है कि और सुविधा होती, और ज़्यादा कोचेज आते, इंटरनेशनल कोचेज आते, रोज़ कुश्तियाँ होती, रोज़ खाने पीने का अच्छा इंतज़ाम होता और एयर कंडीशन या हॉल होता तो और अच्छा था? इस बारे में सोचा नहीं इस बारे में है। अच्छा, चलिए ठीक है। तो ये देखिए सब बेटियाँ, ये देखिए।